पहला स्टॉपेज गोरखपुर है, तो आइडल टाइम ही निकलने का 6 बज रहा है ऑलमोस्ट। और जी हाँ, 6 बज रहा है। जसीडी होते हुए हम गोरखपुर जाएंगे। झारखंड है, इस तरफ बिहार है, यहाँ देख सकते हो बोध गया, जमुई। जगह का नाम देखोगे दोस्तों, इस जगह का नाम है मांगो बंदर। मांगो बंदर यहाँ पे कुछ नेपाल गया था। उसके बाद मैंने राजस्थान की यात्रा की थी जनवरी 2019। वो उस यात्रा का अनुभव होता है। और कहाँ कहाँ गए, किन किन शहरों किया? अभी दो विदेश डेस्टिनेशन, अब अपने देश में गए। राजस्थान सबसे लंबी यात्रा थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ईस्ट वेस्ट जाना, तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था और करीब करीब 3-4 स्टेट हम लोगों ने कवर किया। जैसे कि झारखंड तो हो ही गया, झारखंड निकले, बिहार गए, उसके बाद यूपी, और उसके बाद फाइनली राजस्थान गए। राजस्थान में हम लोग प्रमुख जो हमारा शहर हम लोगों ने भ्रमण किया था वो था जयपुर। उसके बाद हम जयपुर से होते हुए गए थे जीन माता का मंदिर है, वहाँ से फिर हम लोग गए थे अजमेर। तो इधर से जब यूपी से एंटर किया तो भरतपुर आया होगा। भरतपुर है, भरतपुर वहाँ कोई ऐसा इसके साथ जो है कोई डेस्टिनेशन नहीं था।
यादगार। जैसे कि हम लोगों ने यूपी पार किया, राजस्थान इंटर करने के साथ साथ आपको बहुत बावड़ी देखने को मिलता है, तो वो एक बावड़ी मतलब कुआं, कुआं, और उसमें नक्काशी जो होती है बहुत, मतलब आपको लगेगा कि राजवाड़े वाले जगह पर मोर भी देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं आपको। रेगिस्तान शुरू नहीं होता है जयपुर से, लेकिन जब आप जयपुर के बाद बीकानेर आते हैं वहाँ से आपको जो मेन रेगिस्तान थार वाला वो आपको देखने को मिलेगा, और कुल्हड़ की चाय। अच्छा, यहाँ खान पान जो है, जो खान पान में क्या क्या आपको अन्य जो आप रेगुलर यहाँ नहीं खाते हैं वहाँ आपको खाने को मिलेगा, वो तो क्या क्या व्यंजन आपको खाने को मिलेगा? जैसे कि दाल बाटी चूरमा राजस्थानी खाना फेमस होता ही है, ये तो हम प्राय लोग खाते ही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा चीज़ हमें मिला था देखने के लिए वो गट्टे की कड़ी मिली थी, गट्टे का साग, केर सांगरी एक सब्जी आती थी वो हम लोग खाए थे, तो वो हमारे लिए पहले बार एक्सपीरियंस था। केर साग बहुत महंगा साग होता है, और शादियों में राजस्थानी शादियाँ होती हैं, इसके बगैर वो एक निश्चित रूप से एक व्यंजन होता है, और उसकी कीमत मैंने सुना है यहाँ तक कि 2000 किलो तक उसकी कीमत होती है, केर मिलता है क्या? सही है। और जयपुर के बाद आगे, जयपुर के बाद हम बीकानेर गए थे, बीकानेर में बहुत सुना हुआ था एक देशमुख माता करणी माता का मंदिर है जी, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखे थे कि वहाँ पे चूहे और चूहों का मंदिर है, उनको पूजा जाता है, तो वो पहली बार अपने रूबरू होकर देखना और अपने हाथों से चूहों को खाना खिलाना तो एक बड़ा मतलब फॉर्मल का विषय था। और उसके बाद बीकानेर के बाद हम लोग जैसलमेर गए थे, जैसलमेर में हम लोग होटल में नहीं रुके, किले के अंदर होटल वगैरह बना हुआ तो वहाँ रुके थे। उसके बाद जैसलमेर से हम लोग चले गए तानोट माता का मंदिर। एक तो बता दें कि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, रजवाड़ों के किले, और बहुत सारे जो किले हैं उनको होटल के रूप में बदल दिया गया है, तो जो बहुत सारे जो होटल हैं जो सैलानियों के लिए जो आकर्षण का कारण वे होटल होते हैं, किलो होटल। उसके बाद कहेंगे, उसके बाद हमारा लास्ट जो डेस्टिनेशन था वो जैसलमेर जाने का था, तो जैसलमेर में हम लोगों ने होटल नहीं चुना, टेंट बनाए हुए थे रेगिस्तान में, तो वो टेंट में हम लोग रुके और रात में सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होता है हमारा राजस्थानी डांस, तो वो देखने को मिला, वो एक बहुत अच्छा लगा हमें। तो खान पान जैसे दाल बाटी चूरमा, तो उसके बाद जैसे भी बड़े होंगे तो और चीज़ें बदली होंगी, क्योंकि आप इस तरफ जा रहे भरतपुर से गए तो आगे बढ़ते गए, आगे और क्या क्या चाहिए, और कहाँ से आप एग्जिट जो है निकलना, इधर से घुसे आप यूपी से निकास कहाँ से? एंट्री करने का टाइम तो हम लोग यहाँ से भरतपुर, जैसे आपने बताया सर, भरतपुर से हम लोग गए थे जयपुर होते हुए, लेकिन एग्जिट करने के लिए हम लोग उदयपुर से नागौर, और नागौर से फिर हम लोग वापस यूपी आ गए। तो राजस्थान जी मेरे घर पहली यात्रा होगी आपकी? जी, राजस्थान की पहली यात्रा। तो इस पहली यात्रा में जो सोच क्या यात्रा कर रहे थे, तो क्या कैसा लगे, क्या लगा कि कितना दिन, कितने दिन की यात्रा हो रही थी, क्या हासिल किया, क्या अनुभव रहा? राजस्थान की जो यात्रा थी वो हमारे 10 दिन की यात्रा थी, और इसमें हम लोग ये सोच के गए थे कि जो हम लोग मूवी वगैरह में देखे थे लोंगे वाला बॉर्डर, और वहाँ पे एक पोस्ट है जहाँ तक आप थोड़े पोस्ट पे अगर आप पहुँच जाएंगे तो उस पर अगर एक कदम आगे जाते हैं तो पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमें रोमांच खुद से महसूस करना था कि अगर हम वहाँ खड़े होते हैं तो कैसा लगता है, और यहाँ से पाकिस्तान कैसा लगता है, जबकि होता तो एक ही जैसा है, वही रेत होते हैं, वही थार डेजर्ट, वही ऊँट होते हैं, पर एक अंदर में एक मानव जो रेखा बनी हुई है वो खुद से महसूस करने का एक अलग मजा आता है, तो वो देखने के लिए हम गए। ऊँट की सवारी थी? जी हाँ, ऊँट की सवारी थी। अच्छा, राजस्थान मेरी चीज़ों का किया है सब नमकीन जो महीने वहाँ की मिठाई के बारे में बताइए कुछ, और बहुत से मिठाई को पसंद करते होंगे। जैसलमेर में हम लोगों ने गोधवा लड्डू एक आता है, वो एक अलग तरह का व्यंजन लगा हमें, सूखी बेसन की बनती है, गणेश जी का ही मंदिर था तो वहाँ गोधवा लड्डू चढ़ता है, तो वो हम लोगों ने ट्राई किया था। दूसरा घेवर हम लोगों ने ट्राई किया था,
वहाँ पे गुलाब का पंखुड़ी डालते हैं घेवर में, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा व्यंजन आपको लगेगा।